जाट आरक्षण आंदोलन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर अब जो आरोप लगे थे उन आरोपों से वो मुक्त हो गए हैं। क्या था पूरा मामला, क्या आरोप थे, रिपोर्ट में देखिए। जाट आरक्षण आंदोलन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को अदालत से राहत मिली। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में हिंसा भड़काने के मामले में अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह समेत तीनों आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की ऑडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई गई थी। मामले में तीनों आरोपितों प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, मान सिंह दलाल और जयदीप धनखड़ को आरोप मुक्त कर दिया गया। रोहतक में 1210 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, पर किसी केस में भी हमारा नाम नहीं आया जिससे ये साबित होता हो कि हमने और कैप्टन मान सिंह से जो बात की थी उसकी वजह से कोई राइट्स हुए हों, कोई एजिटेशन बढ़ी हो। और कैप्टन मान सिंह ने भी ये बात सुन के रह गया, उसने आगे किसी भी ऐसे आदमी को नहीं कहा, कोई ऐसा गवाह नहीं है ये साबित कर सके। तो अदालत ने आज हमारी बहस सुनी और हमने एक एक बिंदु पर बात की, क्योंकि 124A बड़ा भारी सेक्शन है। ये देशद्रोह, हमने कोई देशद्रोह थोड़ी किया था, हमने कोई तख्ता पलट थोड़ी करे थे, हम कोई गवर्नमेंट थोड़ी करा रहे थे। ये जाट्स जो हैं ये अपनी एजिटेशन करके अपनी डिमांड मांग रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया था। तो अदालत ने हमारे हर बिंदु पे बहस सुनने के बाद इन तीनों दोषीगढ़ को आरोप मुक्त कर दिया है, डिस्चार्ज। क्योंकि जब भी कोई सेशन में मुकदमा आता है सबसे पहली स्टेज होती है चार्ज पे। तो अदालत ने हमारी चार्ज पे बहस सुनी और बहस सुबह लंच से पहले बहस हुई और शाम को 4:15 बजे श्रीमती रितु वाई के बहल एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुना दिया कि इन तीनों को डिस्चार्ज किया जाता है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र और जयदीप धनखड़ की तरफ से लगाई गई डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने प्रोफेसर समेत तीन आरोपियों को आरोप मुक्त करने का फैसला सुनाया। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो किसी दूसरे नेता से बात कर रहे थे। इसी को लेकर भिवानी के एक युवक ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी, जिसके बाद प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह समेत तीन लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। लेकिन आखिरकार अदालत ने तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।